अस्सलाम वालेकुम शेख हैं। सलाम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वरकातहू। खैरियत से इंशाल्लाह होंगे। जी। मेरा सवाल तहज्जुद नमाज से था। तहज्जुद नमाज जब हम उठते हैं पढ़ने के लिए तो अजान फजर के अजान के एक घंटा पहले उठते हैं तो लगभग पौन घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो 15-20 मिनट का टाइम बचता है, तो उस टाइम में कौन सा जिक्र अजकार या कुछ दुआएं पढ़ने का मतलब क्या हुक्म है? जैसे फजर के नमाज के बाद की दिन की दुआएं जो होती हैं वो शुरू होती हैं, तो बस यही सवाल था मेरा। जब आप तहज्जुद से फारिग होते हैं तो 15-20-25 मिनट बचा रहता है फजर में। जी जी, तो उसमें सुन्नत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि उसमें आप जो है सो जाएं, आराम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं तहज्जुद का तरीका आपको बताता हूं, जैसा कि हदीस के अंदर वारिद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात तक सोते थे, उसके बाद एक सुलूस आप जो है दो सुलूस आप कयाम करते थे, तहज्जुद पढ़ते, उसके बाद लास्ट का सुलूस आप सोते, लास्ट का सुदूस। तरीका यह है, एक दिन मैंने और भी ये तरीका बताया है स्ट्रीम में, कि आप रात को 6 हिस्सों में तकसीम करें, पहला जो 3 हिस्सा है वो सोएं, उसके बाद चौथा और पांचवा हिस्सा जो है उसमें नमाज पढ़ें, और जो छठा हिस्सा है वो सोएं। तो आप जो वक्त पूछ रहे हैं जिसके बारे में, उसमें बेहतर ये सोना बेहतर है, नबी सल्लम का तरीका सोना है। जरूरी नहीं है आप जागना चाहें तो आप जाग करके कुरान की तिलावत करें, दुआएं करें। उस टाइम अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, उस टाइम आप दुआ करें। सबसे बेहतरीन इबादत यह है कि आप थोड़ी देर कुरान पढ़ें, उसके बाद दुआ करें आप।